हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। आज की टॉप स्टोरी में दिखाएंगे धूम 3 के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन ने कैसे उड़ाई शाहरुख खान की नींद। सलमान खान की 48th बर्थडे पार्टी हुई पनवेल में, पार्टी में नो कैटरीना एंड यस टू एली अब्राम। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ ने मीडिया को ब्लफ करने के लिए बनाई है कौन सी खास फ्लाइंग स्ट्रेटजी। मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर हुए नाराज, फिल्म के राइट्स नहीं मिलने पर जताया एतराज। वीना मलिक के एक्स बॉयफ्रेंड ने खोले अपने दिल के राज, वीना है प्लेफुल कहा एक खास इंटरव्यू में। सनी लियोनी ने की 2 करोड़ रुपीस की डिमांड, ऑर्गेनाइजर से मांगी परफॉर्मेंस की कीमत। और साथ ही दिखाएंगे म्यूजिक कंपनीज और सिंगर्स के बीच रॉयल्टी को लेकर चल रहे प्रॉब्लम्स पर क्या कहना है सिंगर सोनू निगम को। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की जुम्बास्टिक न्यूज से। शाहरुख खान की उड़ गई है रातों की नींद। धूम 3 के कलेक्शन ने SRK को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस साल के किंग वो खुद है या फिर आमिर खान। आप भी देखिए क्यों SRK के मन में उठ रहे हैं ये सवाल। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से। जब शाहरुख खान ने अपने काम से मारा तो नहीं घबराए सलमान खान। और फिर आमिर भी आ रहे हैं, और फिर नया लड़का आया है रणबीर, वो भी मार रहा है, तो इट्स गुड, काम से मारो। लेकिन काम से मारने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही आमिर की फिल्म धूम 3 की सक्सेस ने रिपोर्टेडली किसी को नाराज कर दिया है। सुनने में आया है कि किसी को रास नहीं आ रहा मीडिया रिपोर्ट्स में धूम 3 का बढ़ता हुआ कलेक्शन फिगर। रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फर्स्ट वीक कंप्लीट होने से पहले ही धूम 3 164 करोड़ की कमाई करने में कामयाब हो गई है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्शन है कि चेन्नई एक्सप्रेस बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसर के जिस रिकॉर्ड पर 21 दिन में पहुंच पाई थी धूम 3, उसी जादुई आंकड़े को सिर्फ 10 दिनों में पार कर सकती है। बस इसी बात से सकते में आ गया है कोई और। सोर्सेस की माने तो आमिर की फिल्म की इस सक्सेस स्टोरी से उन्हीं शाहरुख खान के मीडिया मैनेजमेंट को संभालने वाले घबरा गए हैं जो बॉलीवुड में सभी फिल्मों के सक्सेस की वकालत करते आए हैं। There are some misconceptions. Extremely, you know, it's not meant to be personal or anything. This is business and you have to do your business with all goodness that you possibly can muster. It's not meant to be personal or anything. This is business and you have to do your business with all goodness that you possibly can muster. Reportedly, Dhoom 3 का बढ़ता बिजनेस शाहरुख की ब्रांड एंड मीडिया मैनेजमेंट कंपनी को इस कदर परेशान कर गया है कि शाहरुख के बिहाफ पर चैनल्स के टॉप मैनेजमेंट को फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। और जब तक चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड टूटने की पक्की खबर नहीं आती, इस तरह के प्रोजेक्शन ना दिखाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। अब जरा सोर्सेज से सुनने में आई वो वजह भी जान लीजिए जिसने शाहरुख से जुड़े लोगों को परेशान कर दिया है। दरअसल अब तक ईयर 2013 को शाहरुख खान की सबसे बड़ी सक्सेस का साल बताया जाता रहा है। चेन्नई एक्सप्रेस की कमाई के रिकॉर्ड्स की बदौलत शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू भी वापस आसमान छूने लगी। लेकिन इसी बीच आमिर की फिल्म धूम 3 का ईयर एंड में आना, शाहरुख के हिस्से का लाइमलाइट चुराना शाहरुख के नजदीकियों को रास नहीं आ रहा है। वैसे जब बात धूम 3 के कलेक्शंस की हो रही है तो बता दें कि शाहरुख की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के डे 1 के हाईएस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड धूम 3 पहले ही तोड़ चुकी है। ऐसे में अगर शाहरुख की फिल्म का 21 दिन में बनाया हुआ रिकॉर्ड अगर धूम 3 लगभग 10 दिन में तोड़ देती है तो ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन रिपोर्टेडली शाहरुख के मैनेजर्स की तरफ से चैनल्स को ऐसी खबरें ना दिखाने की रिक्वेस्ट वाले फोन कॉल्स तो यही इशारा कर रहे हैं कि किंग खान से जुड़े लोगों के लिए जरूर ये परेशानी की बात बन गई है। वैसे फिलहाल अब तक ये ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है कि किंग खान के मैनेजर्स की तरफ से चैनल्स को किए गए इस तरह के कॉल्स शाहरुख से पूछ कर किए गए हैं या फिर अपनी वफादारी साबित करने के चक्कर में उनसे हो गई है कोई नादानी। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। सलमान खान की 48th बर्थडे पार्टी रिसेंटली हुई पनवेल में और इस पार्टी की टॉप 3 हाइलाइट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास स्टोरी में।
सलमान खान के पनवेल हाउस पर हुई पार्टी ऑनलाइन और सलमान खान को बर्थडे विश करने पहुंचे उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और सलमान खान की इस बिग बर्थडे बैश की टॉप 3 हाइलाइट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फर्स्ट हाइलाइट एली अवराम। सलमान खान के 48 बर्थडे की सबसे खास मेहमान रही एली अवराम। जी हाँ, सलमान खान के इस बर्थडे पार्टी पर ना तो कटरीना नजर आई ना तो सलमान खान की कोई एक्स गर्लफ्रेंड, बल्कि यहाँ सारी लाइमलाइट रही सलमान खान की आजकल खास दोस्त बनी एली अवराम पर। एली और सलमान खान की खास दोस्ती की चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। ऐसे में इस पार्टी में एली का आना तय था और इसी उम्मीद के मुताबिक एली इस पार्टी में पहुँचने वाली पहली मेहमान रही। सेकेंड हाईलाइट, सलमान खान की पार्टी हो और यहाँ हंगामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सोर्सेज की माने तो सलमान खान की इस पार्टी में कुछ स्ट्रेंजर्स पहुँच गए और यहाँ उन लोगों ने लकड़ के नशे में कुछ गेस्ट के साथ बदतमीजी कर दी, जिसके बाद सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने इन स्ट्रेंजर्स की अच्छी तरह से धुलाई कर दी। बाद में सलमान खान और उनकी फैमिली ने इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला। थर्ड हाईलाइट, सलमान खान की पार्टी की थर्ड बड़ी हाईलाइट की बात करें तो ये बनी यहाँ आए मेहमान। सलमान खान ने ये पार्टी अपने फार्म हाउस पर रखी थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि काफी कम सेलिब्रिटी टाउन से इस फार्म हाउस पर जाएंगे, लेकिन उम्मीदों से अलग कई सेलिब्रिटीज यहाँ नजर आए। वेल, तो कुछ इस तरह सलमान खान की ये बर्थडे पार्टी रही काफी हॉट एंड हैपनिंग। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। रणबीर और कैटरीना ने मीडिया पर्सन्स को एयरपोर्ट पर चकमा देने के लिए बनाया है एक खास प्लान। रणबीर और कैट के इस खास प्लान की डिटेल देखिए इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर और कैटरीना की स्वीट लव स्टोरी के बारे में अब हर कोई जानता है। इन लव बर्ड्स के प्यार की चर्चा सलमान खान से लेकर करीना कपूर तक खुलेआम कर चुके हैं। रणबीर और कैटरीना इस वक्त बॉलीवुड के सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट कपल हैं। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद जाने क्यों ये दोनों अभी भी दुनिया की नजरों से अपने रिश्ते को छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। जी हाँ, रणबीर और कैटरीना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने USA जाने वाले हैं। ये न्यूज सबको पता है, न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविजन चैनल्स पर ये स्टोरी 100 बार से ज्यादा चल चुकी है। लेकिन रणबीर और कैटरीना है कि अभी भी अपनी इस ट्रिप की डिटेल्स मीडिया और फैन से छिपाना चाहते हैं। तभी तो रिसेंटली USA के लिए रवाना होने के वक्त रणबीर और कैटरीना अलग अलग समय पर एयरपोर्ट पर पहुंचे। आप भी देखिए इन पिक्चर्स को, जहां पहले रणबीर कपूर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद कैटरीना अकेले यहां पहुंचे। वेल, अब यहां सवाल उठता है कि अगर इन दोनों स्टार्स को साथ में ही USA जाना है तो ऐसे में अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचकर ये दोनों लवर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबकी समझ से बाहर है। वैसे एयरपोर्ट पर ही नहीं, रिसेंटली एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी ये दोनों स्टार्स मीडिया की मौजूदगी से अनजान बनकर पहुंचे तो एक साथ थे, लेकिन जब फिल्म देखकर बाहर आने की बारी आई तो इन दोनों स्टार्स ने अलग अलग ही बाहर आना बेहतर समझा। वैसे रणबीर और कैटरीना मीडिया से बात करते वक्त भी अपने रिश्ते से जुड़े हर सवाल को टाल देते हैं। वेल, इतना कुछ हो जाने के बावजूद अगर ये दोनों स्टार्स अपने रिश्ते की बात को कबूल नहीं करना चाहते तो इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। और हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। वीना मलिक की शादी की खबर जैसे ही आई उनके एक्स बॉयफ्रेंड का दिल टूट गया। जूम से खास बातचीत में उनके एक्स ने खोले अपने दिल के राज, आप भी देखिए। हर एक इश्क का वक्त होता है। शाहरुख ने भले ही ये डायलॉग रियल लाइफ में बोला हो, लेकिन वीना मलिक के लिए तो ये बात उनकी रियल लाइफ में ही लागू होती है। वीना मलिक ने हाल ही में शादी की पाकिस्तान बेस्ड सिंगर असाद बशीर से। एक तरफ जहां वीना ने एक बार फिर से अपना दिल जोड़ा तो दूसरी ओर किसी के दिल से निकली आह की टीस। So folks, this is Mr. Prashant, Veena Malik के ex boyfriend का manager, जिनका हाले दिल कुछ इस तरह है कि ये ना तो घर के रहे और ना घाट के। प्रशांत बहुत खफा है वीना मलिक की शादी को लेकर। उनके हिसाब से ये तो वीना की पुरानी USP है। डेढ़ साल हो गए, एक तो पहली बात तो प्यार बहुत बार होता है, तो मुझे तो प्यार बहुत भयंकर प्यार हुआ था, तो काम वाम छोड़ दिया था। लेकिन या इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, विच आई एम मैच्योर, आई एम अंडरस्टैंड दैट इफ इट हैपेंस फॉर अ रीजन, एनीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। And I wish her all the best actually, and I think she would be happy, she looked very happy. प्रशांत का ये भी कहना है कि जिस इंसान से वीना कुछ एक महीने पहले ही मिली है उस इंसान से इतनी जल्दी शादी कर ली, ये उनकी समझ से परे है और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि भले ही उनका लिव इन रिलेशनशिप था, but it was no less than a husband and wife's relationship. We were as friends, living in as friends, but then obviously when you live in, you are not friends.
So we started getting closer, but then I found out things that which hurt me a lot, and I asked her to leave. इतिहास जब भी वीना मलिक को किसी टैग से याद करेगा, तो वो होगा दिल तोड़ने की मशीन. पहले अश्मित पटेल, फिर प्रशांत. लाइमलाइट में रहने के लिए दिल को कैटलिस्ट बनाना उनकी काफी पुरानी स्टाइल रही है. और ये कदम उनकी रियल लाइफ के लिए है या फिर रियल लाइफ की भलाई के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा. Well, all we can do right now is to wish her all the very best for this new star. Bureau Report, Zoom, Mumbai. सनी लियोनी ने अपने परफॉर्मेंसेस के प्राइस को किया अप. ऑर्गेनाइजर से डिमांड किया 1.5 से 2 करोड़ रुपए. आइए आपको भी दिखाते हैं कि थोड़े समय पहले तक कुछ लैक्स चार्ज करने वाली सनी अब अचानक क्यों कर रही है करोड़ों रुपए की डिमांड. सनी लियोनी ने भले ही बॉलीवुड में अब तक सिर्फ दो फिल्म्स की है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में सनी लियोनी किसी बड़े बॉलीवुड स्टार से कम नहीं. और ये बात सनी लियोनी को अच्छी तरह से पता है. तभी तो सनी ने न्यू ईयर ईव पर परफॉर्मेंस के लिए एक इवेंट के ऑर्गेनाइजर से डिमांड की है पूरे 2 करोड़ रुपए की. जी हाँ, सोर्सेज की माने तो सनी लियोनी को कई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने न्यू ईयर पर परफॉर्म करने के लिए अप्रोच किया था. और इन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को लगा सनी लियोनी कुछ लाख रुपए में परफॉर्मेंस के लिए मान जाएंगे. लेकिन सोर्सेज का कहना है कि सनी ने इन ऑर्गेनाइजर्स को साफ कर दिया है कि वो 2 करोड़ से कम में किसी भी इवेंट पर परफॉर्म नहीं करेंगे. वेल, सनी लियोनी को अब अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा अच्छी तरह से हो चुका है. ऐसे में वो अब अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर अपने इवेंट्स तक को ध्यान से सिलेक्ट कर रही है. फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई. सलमान खान का रियलिटी शो एक बार फिर बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है. और इस बार सलमान और शो के मेकर्स को इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए दिया गया है 7 दिनों तक का अल्टीमेटम. क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको भी दिखाते हैं. सलमान खान का रियलिटी शो एक बार फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है. और इस बार भी इस शो के एक कंटेस्टेंट के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई है. दरअसल रिसेंटली शो के एक कंटेस्टेंट एजाज खान ने एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इस शो में कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था. वैसे शो के टेलीकास्ट के दौरान इस विजुअल को चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन इंटरनेट पर जरूर इस विजुअल को अपलोड कर दिया गया. और जैसे ही इस बात की जानकारी उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को लगी, इस शो के वेन्यू के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया. सोर्सेज की माने तो इस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने सलमान खान के खिलाफ ही एक FIR दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि सलमान खान इस शो को होस्ट करते हैं. इस मामले में पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर एजाज खान ने पब्लिकली माफी नहीं मांगे, तो वो सलमान खान के घर के बाहर और इस शो को ऑन एयर करने वाले चैनल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे. फिलहाल के लिए इस मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है. और अब देखने वाली बात होगी कि इस चैनल का और सलमान का इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन होता है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. डायरेक्टर शेखर कपूर है कॉपीराइट एक्ट से काफी नाराज. मिस्टर इंडिया के राइट्स नहीं मिलने पर इस फिल्म के सीक्वल को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली साईफाई फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसे ऑल टाइम हिट की कैटेगरी में रखा गया है, मिस्टर इंडिया के सीक्वल के बारे में अनिल कपूर ने पहले ही मीडिया से बातों बातों में जिक्र किया हुआ है. लेकिन यहाँ कैप्टन ऑफ द शिप कुछ खफा से नजर आ रहे हैं. पद्मश्री शेखर कपूर की नाराजगी का सबब है फिल्म के कॉपीराइट्स. बता दें कि शेखर कपूर कुछ समय से मिस्टर इंडिया के सीक्वल के राइट्स को खरीदना चाहते थे, बट एज पर द लेटेस्ट कॉपीराइट एक्ट, डायरेक्टर्स को ये पावर नहीं है जहां वो फिल्म के राइट्स खरीद सकें. ये हक प्रोडक्शन हाउस का है. फिल्म शोले भी हाल ही में कॉपीराइट एक्ट की वजह से चर्चा में थी, जहां इस फिल्म के डायरेक्टर को कुछ इसी तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ा. और अब इस लिस्ट में शेखर कपूर भी शामिल हो चुके हैं. बट शेखर कपूर के फैंस उनसे इस उम्मीद में जरूर रहेंगे कि जल्द से जल्द वो बड़े पर्दे पर इस फिल्म के सीक्वल को पेश करें. एंड वी होप दैट ही रिजॉल्व्स हिज प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. कॉन्ट्रोवर्सी गर्ल पूनम पांडे न्यू ईयर्स ईव पर बैंगलोर में परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी. और इस परफॉर्मेंस के लिए पूनम ने जो अमाउंट चार्ज किया है, उसके डिटेल सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन पूनम पांडे को भले ही बॉलीवुड में फिल्म्स ना मिल रही हो, लेकिन शी इज ऑल सेट टू गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू ऑल द ए लिस्ट एक्ट्रेसेस. वेल यस, पूनम इज गोइंग टू गिव द टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अ रन फॉर देयर मनी, एज दिस टीम इज गेटिंग पेड अ व्होपिंग अमाउंट ऑफ ₹1 crore फॉर परफॉर्मिंग ऑन न्यू ईयर्स ईव.
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमेशा फॉर द रॉन्ग रीजंस हेडलाइंस क्रिएट करने वाली पूनम पांडे इज फाइनली एंटरिंग द रेस। सुनने में आया है ऑन न्यू ईयर्स ईव पूनम विल बी परफॉर्मिंग लाइव इन वन ऑफ द रिजॉर्ट्स इन बैंगलोर। यानी पूनम के हॉट एंड सेक्सी वीडियोस और कंट्रोवर्शियल बातों से भले ही उनके फिल्मी करियर को कोई फायदा ना हो रहा हो, लेकिन इतना तो है कि उन्हें अपनी इन हरकतों से लाइव परफॉर्मेंस जैसे ऑफर्स तो मिल ही रहे हैं। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम मुंबई। डायरेक्टर महेश भट्ट बहुत जल्द टीवी पर करेंगे डेब्यू। एक फैमिली ड्रामा बनाने की ख्वाहिश है भट्ट साहब की। सिल्वर स्क्रीन पर इतने सालों तक काम करने के बाद अब महेश भट्ट स्मॉल स्क्रीन पर अपना जादू चलाना चाहते हैं। एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने कई सारी फिल्में बनाई है और कई सारे न्यू टैलेंट को मौका दिया है, और अब महेश भट्ट बतौर प्रोड्यूसर एक टीवी सीरियल बनाना चाहते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली ड्रामा बट नॉट लाइक द टिपिकल सास बहु सागास। वी आर श्योर महेश भट्ट का अपना खुद का टेस्ट और स्टाइल तो जरूर देखने को मिलेगा इस सीरीज में। बता दें कि भट्ट साहब 90s में इससे पहले भी इंग्लिश टीवी शोज और पॉपुलर हिंदी शोज पर काम कर चुके हैं। अब देखना यह है कि भट्ट साहब का ये कमबैक उतना बस क्रिएट कर पाता है या नहीं। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे द मल्टी टैलेंटेड सिंगर एंड म्यूजिशियन सोनू निगम और जानेंगे उनके रॉयल्टी इश्यूज के बारे में, और साथ ही बताएंगे रोहित शेट्टी ने सिंघम 2 की शूटिंग अप्रैल 2014 तक के लिए क्यों की पोस्टपोन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान के साथ एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जुड़ती जा रही है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो इस शो की कंटेस्टेंट कौहर खान को पहले से ही विनर मान लिया गया है। दरअसल इस रियलिटी शो के इनसाइडर्स ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है कि कौहर खान लगभग 1,00,000 से ज्यादा वोट से बाकी कंटेस्टेंट से आगे है, और इस न्यूज के सामने आने से सभी हैरान है। एक्टर वरुण धवन भले ही अपनी फिल्म हम्प्टी सिंह की दिलालियां और DDLJ के कंपैरिजन को गलत बता रहे हैं, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि ये फिल्म पूरी तरह से काजोल और शाहरुख स्टारर DDLJ से मिलती जुलती है। इस फिल्म में वरुण के साथ एक्ट्रेस आलिया भट्ट नजर आएंगे। खबरों की माने तो एक्टर अभय देओल ने अपनी फर्स्ट प्रोड्यूस फिल्म 1/2 की रिलीज डेट्स को 7 फरवरी से 31 जनवरी सिर्फ इसीलिए प्रीपोन कर लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्म सनी देओल की फिल्म ढिचकियों के साथ रिलीज हो। अभय का मानना है कि दोनों फिल्म्स के एक साथ रिलीज होने से दोनों फिल्म्स के बिजनेस पर असर पड़ता। आमिर खान ने सलमान खान के बर्थडे पर उन्हें ढेर सारी विशेष दी, और एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा है कि सलमान खान उनसे 10 गुना बड़े स्टार हैं और ये उन्हें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खबरों की माने तो फिल्म धूम 3 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 300 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है, और इस तरह इस फिल्म ने शाहरुख की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड बीट कर दिया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी न्यू ईयर की वजह से धूम 3 को और कई हॉलीडेज मिलने वाले हैं, ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। सुनने में आया है रिसेंटली फिल्म वेलकम बैक के सेट पर नाना पाटेकर और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल नाना पाटेकर इस बात से खुश नहीं थे कि दुबई में लोकेशन की प्रॉब्लम की वजह से एक्टर्स की डेट बर्बाद हो रही थी। वैसे अब कहा जा रहा है कि अनिल कपूर ने नाना पाटेकर और फिरोज नडियाडवाला के बीच सुलह करवा दी है। खबरों की माने तो डायरेक्टर रोहित शेट्टी अब 2014 की शुरुआत में पहले अपने एक टेलीविजन शो की शूटिंग करेंगे और फिर सिंघम 2 पर काम शुरू करेंगे। दरअसल अजय देवगन के डेट इश्यूज की वजह से सिंघम 2 के फर्स्ट स्केड्यूल को पोस्टपोन करना पड़ा है। बॉलीवुड में आजकल म्यूजिक कंपनीज और सिंगर्स के बीच रॉयल्टी को लेकर काफी इश्यूज है, और इस पूरे इश्यू पर सिंगर सोनू निगम ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। आजकल सोनू निगम थोड़े से परेशान हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ को नहीं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सोनू, वेलकम टू जूम। सबसे पहले बताइए, बहुत सारी खबरें आ रही हैं रॉयल्टी म्यूजिक एंड ऑल, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या? ये परेशानी नहीं है, इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान किसी का हल नहीं निकाल सकते, और वो उम्र चली गई जब परेशानी लेते थे हम लोग सर पे। जब उम्र बढ़ती है तो आदमी समझता है कि जिंदगी में कैसे थोड़े जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनको कैसे लांघना चाहिए। इतनी सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के इशू पे हमारी जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है उसमें कंपोजर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, लिरिक्स राइटर्स आते हैं, वो सभी सहमत नहीं हैं, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सही है तो वो हमारे साथ में लॉ मिनिस्ट्री में चलें। लॉ मिनिस्ट्री ने ये बनाया है,
क्लॉजेस बनाए हैं, अमेंडमेंट बनाए हैं, अगर वो कहते हैं कि ये अमेंडमेंट ठीक है तो हम कर देंगे सर, ये कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट के मुताबिक है तो हम साइन कर देंगे। लेकिन जो ये लोग नहीं जा रहे हैं या जिसकी वजह से ये उसमें आ रहे, बिकॉज काफ़ी इलीगल काम हो चुका है और हम अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन नहीं करना चाहते, और मुझे औरों को पता नहीं, मेरी फेडरेट ने कहा है, मेरी एसोसिएशन ने कहा है कि मैं नहीं करूँ, मैं नहीं करा और मैं आगे भी नहीं करूँ जब तक एसोसिएशन नहीं कहेगी। एसोसिएशन कहेगी कि तुम साइन कर दो तो मैं साइन कर दूँगा, आई एम नॉट द फेस ऑफ इट, आई एम जस्ट बीइंग सिंगल आउट। लेकिन मैं, मेरी हिमाकत नहीं है कि मैं लोगों को शय दूँ या लोगों को कहानियाँ सुनाऊँ कि ऐसी बात, सब ने मिलकर डिसाइड किया है और आई एम टेकिंग अ स्टैंड, दैट्स इट, एंड नॉट जस्ट मी, द लॉट ऑफ पीपल, 95% ऑफ द फ्रेटर्निटी इज़ विद अस। बेसिकली बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्या चीज़ें आप लोगों की डिमांड में हैं जो नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप ये बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या आप लोग क्या चाहते हैं। सी, एक तो ये है कि अमेंडमेंट के अनुसार हमारी राइट टू रॉयल्टी हम किसी को असाइन नहीं कर सकते, तो हमसे वो राइट जब ली जाती है तो वो उसके कई पैतरे निकाले जाते हैं, प्री डेटेड चेक बनाए जा रहे हैं जो अमेंडमेंट से पहले के हैं, और कंपनी उसके वाकई में कंपनी अपने को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही है, कंपनी प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स और सिंगर्स को एक अजीब से चक्कर में फंसा रहे हैं, कानूनी चक्कर में, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो नहीं रॉयल्टी मांग रहे, हम तो प्रोड्यूसर से बोल रहे हैं कि रॉयल्टी दे दो, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर हमसे साइन करा रहा है, ना मैं दे सकता हूँ, ना कंपोजर दे सकता है, निर्देशक दे सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर ले रहा है अपेरेंटली, वो कैसे ले रहे पता नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब वो ले रहा है तो वो दे कैसे रहा है, तो ये पूरा एक ऐसा जैसे हाँ कंफ्यूजिंग सर्कल है, और इट कैन लैंड अस इनटू ट्रबल टुमारो, क्योंकि कोई चाहे भी, कोई अगर चाहे तो बहुत इसमें कानूनी दाव पेच है जिसमें हम फंस सकते हैं। उसमें एक क्लॉज और भी है जिसमें लिखा है कि सिंगर अपना ही गाना हमसे पूछेगा, तो मतलब मेरा गाना आप गा सकती हैं, मैं नहीं गा सकता मेरा गाना, ये कहाँ की बात है, ये क्या, कौन सा क्लॉज है, ये कैसे मैं साइन करूँ, या कोई और साइन हमने किया है पहले, बिकॉज हमें पता ही नहीं था सब क्या हो रहा है। जब हमें मालूम, हमें बताया गया कि कितने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तब श्रेया, मैंने, सुनिधि चौहान, जितने भी लोग हैं सारे, अलका जी से लेकर, कविता जी से लेकर, नई सिंगर्स जो हैं वो बेचारे, मैं उनको नाम नहीं लूँगा बिकॉज वो खुद डरे हुए हैं, वो तक हमारे साथ में हैं, तो वो सब इस चक्कर में है कि मेरा ही गाना मैं नहीं गा सकता, तो फिर हम नहीं जी, हम तो आपको रोक नहीं रहे, नहीं तो फिर लिख क्यों रहे हो, अगर तुम कह रहे हो कि हम रोक नहीं रहे तो तुम लिख क्यों रहे हो बताओ। और अब ये ज़माना नहीं रहा ज़मींदारी का, हुकुम परस्ती का, फ्यूडल ज़माना कि हमको हुक्म बजाना पड़ेगा आपका, ऐसा नहीं है, आप हैं, आपकी इज्जत है, इसका मतलब ये नहीं कि जो और लोग हैं उनकी इज्जत नहीं है। आज राज कपूर, उनकी भी इज्जत है, लता मंगेशकर जी की भी इज्जत है, रफ़ी साहब की भी इज्जत है, नौशाद साहब की भी इज्जत है, शंकर जी किशन की भी इज्जत, किसी की ज़्यादा कम नहीं हो सकती। अमिताभ बच्चन जी, लता जी से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, है ना, तो ऐसे इज्जत मिलती है, इज्जत दी जा रही है, ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं है किसी के लिए, लता जी के लिए अमिताभ जी बड़े हैं, अमिताभ जी के लता जी बड़े हैं, ये परस्पर मेल भाव से ही होता है, किसी को छोटा दिखा के नहीं हो सकता। तो जो कमेंट्स किए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि सिंगर को खुश होना चाहिए गाना मिल रहा है, क्यों भाई, तुमको खुश होना चाहिए, तुमको फिल्म मिल रही है, आजकल तो फिल्में भी गाने से हिट हो रही है, तो फिर ये किसने बोल दिया कि तो खुश होना चाहिए, तो फिर ठीक है ना, हम खुश हैं, लेकिन तुम हमसे इलीगल काम नहीं कराओ, बस इतना एक मसला था। बट आई एम श्योर कुछ समझदार लोग बीच में आएंगे तो ये मसला सुलझेगा, और हर कोई चाहेगा कि इंडस्ट्री में सद्भाव हमेशा बना रहे। तो इसमें यूनिटी कितनी है आपके साथ, सिंगर्स जो हैं सबके साथ, नॉट जस्ट सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स, सबके सब साथ। हमने ये भी सुना था कि एक बार लता जी ने ये भी कोट दिया था कि मैं तो थक चुकी हूँ ये कर करके, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए और आपस इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। लता जी हमारे साथ में, आशा जी भी बहुत अग्रेसिवली हमारे साथ में है, लेकिन यू नो हम ज़्यादा बड़ों को उतना तंग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और आगे बढ़े हैं, उनका आशीर्वाद ही वाले काफ़ी है, बट इस समय हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने लिए तो खड़े हो सकें, हम कब तक हमेशा दूसरों को ताकेंगे कि आप हमारे लिए खड़े होकर बोलो। सो इस बार जज्बा ऐसा है कि सबके सब साथ में जुड़े हुए। थैंक यू सो मच, वी होप आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। उम्मीद है जरूर। चलिए, तो सोनी जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की, कैमरामैन आदित्य के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई। आइए आपको अब लेकर चलते हैं जैकी भगनानी की आने वाली फिल्म यंगिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां फिल्म की पूरी टीम मौजूद है।
जैकी भगनानी की फिल्म यंगिस्तान का रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहां फिल्म की स्टारकास्ट थी मौजूद और जैकी यहां काफी फॉर्मल अंदाज में नजर आए। वैसे जैकी भगनानी अपने बर्थडे के दिन काम करते नजर आए बाय होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर दिस फिल्म। चलिए जैकी से जानते हैं उनके लिए यंगिस्तान क्या मायने रखता है। फिल्म में कह रहे हैं कि सिर्फ उम्र से नहीं, जज्बे से नहीं, जज्बा है। सो मैं ये पहले भी कहता आया हूँ कि यू नो अगर एक 18 साल का लड़का है और वो ओल्ड स्कूल है या लड़की है, ओल्ड स्कूल है और पुरानी ख्यालातों में जीते हैं तो हमारे लिए वो यंगिस्तान नहीं है। लेकिन अगर एक 50 साल के इंसान है, लड़का है या लड़की, और मॉडर्न है और उनमें वो जज्बा है तो वो हमारे लिए यंगिस्तान। वहीं नेहा शर्मा ने भी अपने फिल्म के बारे में थोड़ी बात की। I feel that it's a beautiful love story with a backdrop of politics like he was talking about right now. So there will be a lot of those things that you're expecting in the film, and I think that's what makes the film novel and very interesting because we've not seen all that before in a political film. चलिए फिल्म का तो जिस्ट हमें मिल ही गया है। यहाँ जैकी भगनानी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया। आइए उसकी देखते हैं एक झलक। And after birthday celebrations, Jackie on location pahunch bhi gaye to shoot for a scene for Youngistan. Well, jab Jackie apni film ke liye lagatar mehnat kar rahe hain, we would hope that this film works well for him at the box office. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News mein filhal waqt hai ek chote se break ka. Break ke baad Bollywood fans ke filmi gyan ko check karenge hamare khas segment Chatterjee mein. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरजी में। 27 दिसंबर यानी सलमान खान का बर्थडे और सलमान खान के 48th बर्थडे पर उनके फैंस ने उनके लिए क्या मैसेज दिया है, आइए देखते हैं। हैप्पी बर्थडे सलमान खान, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे सलमान। गॉश, 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर मतलब सलमान खान का बर्थडे और हमारे साथ उनके एक फ़ैन है, तो हम सबसे पहले से पूछना चाहते हैं सलमान खान की रियल एज क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले मैं सलमान खान को विश करना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे सलमान खान। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और सलमान खान का एज 42 है। आपने मेरा बीपी बढ़ा दिया, आपने मेरा बीपी बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, वैसे 42 है नहीं मगर लगते यंग है वो, है ना? वैसे देखने वाइज कितने लगते हैं? 42 तो फिर भी 40 प्लस हो गए, मगर वैसे कितने, क्या एज लगती है आपको? 37 कि आपको एक फैन की तरफ से सलमान खान के लिए गिफ्ट है तो क्या होगा? उनका मैं पहले कल बोलना चाहती कि अब जल्दी से शादी कर लो। कि सलमान खान का रियल एज क्या है? आज उनका बर्थडे है 27 दिसंबर, तो उनका रियल एज क्या है? 45। आपने तो मेरी फाड़ के रख दी। मतलब वैसे उनकी रियल एज 45 है नहीं, मैं बाद में बताऊंगी आपको उनकी रियल एज क्या है, मगर जब वो स्क्रीन पे आते हैं वैसे तो कितने एज के लगते हैं? लुक वाइज कितने यंग लगते हैं आपके हिसाब से? 32 30 30। अच्छा, और सलमान खान के बर्थडे के दिन अगर आप दोनों को चॉइस दी जाए कि वो देख रहे हो और कोई गिफ्ट आप देना चाहें उनको, तो क्या गिफ्ट होगी सलमान खान के लिए? उनकी शादी होनी चाहिए ऐसा हम सबको लगता है। अच्छा, उनकी पास्ट की कितनी गर्लफ्रेंड रही है मगर आपके हिसाब से बेस्ट उनके लिए कौन सी थी उनमें से? ऐश्वर्या। ओह नो। तो मेरे साथ सलमान खान के कुछ और फैंस हैं, तो आप तीनों से जानना चाहूंगी, सलमान खान का बर्थडे 27 दिसंबर, तो आप तीनों से जानना चाहूंगी आज उनकी कितने साल हो गए, क्या क्या एज हो गई उनकी? शायद से 48 है। आपके हिसाब से? 50। आई थिंक 49। 48, 49 और 50 तीन एज है, तो आपके हिसाब से वो 50 के हो गए, बूढ़े हो गए? 50 में कोई बूढ़ा थोड़ी ना होता है। अच्छा, बूढ़ा नहीं होता है, टैलेंट अभी भी बाकी है उसमें। और आज बर्थडे है तो आप तीनों फैंस हैं उनके, एक एक करके क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप सलमान खान को, किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है उनको? मेरे हिसाब से उनको तो कोई अच्छी सी वाइफ मिलनी चाहिए। तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं करूँ नहीं करूँ यार? हेलो, कि मेरे शादी करने से तुझे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं ना मेरे भाई, ये मतलब पब्लिक डिमांड है, सब मैंने बाकियों से पूछा है, सबने बोला है कि शादी के लिए एक अच्छी वाइफ चाहिए उनको, कैसी लड़की चाहिए? वो मैं नहीं बता देता, लेकिन वो तो खूबसूरत होनी चाहिए और जो उसको समझ ले। ये आपके माता पिता ने आपको ये 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 सिखाया होगा, करेक्ट? यस ना? हाँ? सलमान खान के बर्थडे पर कुछ और फैंस हैं उनके, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए आप लोग के हिसाब से सलमान खान की आज रियल एज क्या है? 48।
का सब लोग को यही लगता है। अच्छा, मगर जब आप उनको बिग स्क्रीन पे देखते हैं, थिएटर में जाके देखते हैं, तो आपको क्या लगता है लुक के हिसाब से एक्चुअल एज क्या है उनकी? 30 इतने यंग लगते हैं। आज अगर 48 के हो गए तो 48 पे इतने सालों में उनको एक गिफ्ट देना हो तो आप लोग के हिसाब से कौन सी एक चीज बहुत जरूरी है उनकी लाइफ में आज? कैटरीना कैफ। तो रणबीर कपूर का क्या होगा? रणबीर कपूर क्या है ना। अच्छा, तो सलमान खान को अगर आपको विश देनी हो एक अपने तरफ से, तो आप प्लीज अगर हैप्पी बर्थडे विश करना चाहें वो अगर देखेंगे तो। हैप्पी बर्थडे सलमान। Time to show you a special report. जूमर से की अपने प्रॉमिस के साथ सेक्सी सांता बॉलीवुड को नए और अनोखे गिफ्ट्स देने के लिए आज फिर से हाजिर हैं। सलमान खान, हाय। वैसे तो सेक्सी सांता का फेवरेट है, लेकिन इस साल सेक्सी सांता गिव्स हिम द बशराम ऑफ बॉलीवुड टाइटल। क्यों? क्योंकि करण जौहर के टीवी शो पर उन्होंने काफी बशरामी के साथ काफी कुछ कह दिया जिनके बारे में हमें भी नहीं पता था। वेल सलमान, सेक्सी सांता लव द स्टाइल ऑफ योर्स एंड नेक्स्ट सीजन में और कितने बशराम होंगे आप। आई कांट वेट टू वॉच। Sidekick of the Year award is shared by two outstanding performances. Yes, इस साल सेक्सी सांता is giving out this award जिन्होंने इंसानों से भी बेहतरीन एक्टिंग करी है। पहले है यमला पागला दीवाना 2 के शिंपांजी, जिनका रोल बॉबी डियोल से भी ज्यादा बड़ा था, और सेकंड है गुलाबो, जिनके वजह से मथरू की बिजली का मंडोला थोड़ी बहुत चल गई। और बाकी सब इस फिल्म में क्या कर रहे थे? Well, they know the best. Oh, if you think what am I doing? Well. ये magnifying glass sexy Santa is giving to Imran Khan. Imran Khan क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी scripts अच्छी से पढ़ने की जरूरत है। ये magnifying glass इमरान आपको काफी मदद करेगा, so that next time we don't ask ourselves why did he do this movie. Sexy Santa कल फिर आएंगे बॉलीवुड को देने के लिए अपने ढेर सारे स्पेशल गिफ्ट्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। सलमान खान का रियलिटी शो एक बार फिर बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है। दरअसल सलमान खान के शो के एक कंटेस्टेंट अजाज खान ने इस शो के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ कुछ अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से इस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने अजाज खान के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है, और साथ ही शो के सेट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। इस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने सलमान खान को ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर अजाज ने पब्लिकली उनके लीडर से माफी नहीं मांगी तो वो इस शो को ऑन एयर करवाने वाले चैनल और खुद सलमान के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। खबरों की माने तो एक्टर अभय देओल ने अपनी फर्स्ट प्रोड्यूस फिल्म 1/2 के रिलीज की डेट को 7 फरवरी से 31 जनवरी सिर्फ इसीलिए प्रीपोन कर लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म सनी देओल की फिल्म ढिचकियों के साथ रिलीज हो। अभय का मानना है कि 1/2 और ढिचकियों एक साथ रिलीज होने से इन दोनों फिल्म्स के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। खबरों की माने तो फिल्म धूम 3 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 300 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुकी है, और इस तरह से इस फिल्म ने SRK की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड बीट कर दिया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी न्यू ईयर की वजह से धूम 3 को और कई हॉलीडेज मिलने वाले हैं, ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। कंट्रोवर्शियल मॉडल वीना मलिक की शादी की न्यूज जैसे ही सामने आई है, वीना के एक्स मैनेजर और एलिजिट बॉयफ्रेंड ने वीना पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। वीना के बॉयफ्रेंड का कहना है कि अश्मित पटेल की तरह ही वीना ने उन्हें भी इस्तेमाल किया है, और वो वीना से मिले इस धोखे से काफी शॉक्ड हैं।
खबरों की माने तो डायरेक्टर रोहित शेट्टी अब 2014 की शुरुआत में पहले अपने एक टेलीविजन शो की शूटिंग करेंगे और फिर बाद में सिंघम 2 पर काम शुरू करेंगे। दरअसल अजय देवगन फिलहाल प्रभुदेवा डायरेक्टेड फिल्म एक्शन जैक्सन की शूटिंग में बिजी हैं। यही वजह है कि सिंघम 2 की शूटिंग फिलहाल शुरू नहीं हो सकती और इसीलिए रोहित शेट्टी ने अजय देवगन से कंसल्टेशन के बाद ये फैसला कर लिया है कि वो पहले अपने टेलीविजन शो की शूटिंग करेंगे और फिर अप्रैल महीने में सिंघम 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। सुनने में आया है कि रिसेंटली फिल्म वेलकम बैक के सेट पर नाना पाटेकर और फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल नाना पाटेकर इस बात से खुश नहीं थे कि दुबई में लोकेशन की प्रॉब्लम की वजह से एक्टर्स की डेट बर्बाद हो रहे थे। वैसे अब कहा जा रहा है कि अनिल कपूर ने नाना पाटेकर और फिरोज नाडियाडवाला के बीच सुलह करवा दी है। सनी लियोन ने भले ही बॉलीवुड में अब तक सिर्फ 2 फिल्म्स की हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में सनी लियोन किसी बड़े बॉलीवुड स्टार से कम नहीं और ये बात सनी लियोन को अच्छी तरह से पता है। तभी तो सनी ने न्यू ईयर ईव पर परफॉर्मेंस के लिए एक इवेंट के ऑर्गेनाइजर से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है। दरअसल सनी लियोन अब से कुछ दिनों पहले तक परफॉर्मेंसेज के लिए कुछ लाख रुपए ही चार्ज किया करती थी, लेकिन फिल्म जैकपॉट की रिलीज के बाद अब सनी ने अपनी परफॉर्मेंस फीस बढ़ा दी है। रणवीर कपूर और कटरीना कैफ के रिश्ते की सच्चाई सबको पता चल चुकी है। सलमान से लेकर करीना तक ने रणवीर और कटरीना के रिश्ते की बात नेशनल टेलीविजन पर की है, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी भी रणवीर और कैट अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली कैट और रणवीर छुट्टियां मनाने US के लिए रवाना हुए, लेकिन एयरपोर्ट पर ये दोनों स्टार्स अलग अलग समय पर पहुंचे। सलमान खान ने कल शाम अपने पनवेल फार्म हाउस पर अपना 48th बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहां सलमान खान को बर्थडे विश करने उनके सारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स पहुंचे। लेकिन अगर यहां सलमान खान के सबसे खास मेहमान की बात करें तो वो रही एली अब्राम, जो इस पार्टी में सबसे पहले पहुंचने वाली गेस्ट में से एक थी। एली के अलावा न तो यहां सलमान खान की कोई एक्स गर्लफ्रेंड नजर आई और न ही कैटरीना कैफ, जो कि लास्ट ईयर सलमान के बर्थडे पर उनसे मिलने उनके घर आई थी। आमिर खान की धूम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स क्या तोड़े। शाहरुख खान की रातों की नींद उड़ गई है। सुनने में आया है कि शाहरुख खान की मीडिया मैनेजमेंट टीम न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स को इन्फॉर्मेशन भेज रही है कि आमिर खान की फिल्म इस साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्म नहीं है और चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड्स को धूम 3 ने अब तक नहीं तोड़ा है। दरअसल धूम 3 के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन के बाद हर कोई यही कह रहा है कि अब SRK की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की जगह धूम 3 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। केलॉग स्पेशल के प्रेजेंट्स गोल्ड्स जिम फिट एंड फैब 2013 को-स्पॉन्सर्ड बाय स्प्लेंडर एंड रिपॉक एंड पावर्ड बाय WWE के फिनाले की तैयारियों में जुट गए हैं कंटेस्टेंट्स। आइए देखते हैं इसकी एक झलक हमारे शो में। एंड टू सी द फुल फिनाले डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन ऑन संडे एट 8 PM ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। केलॉग स्पेशल के प्रेजेंट्स गोल्ड जिम फिट एंड फैब 2013 को स्पॉन्सर्ड बाय स्प्लेंडर एंड रिबॉक एंड पार्ट बाय WWE अपने फिनाले की ओर बढ़ चुका है और इस ग्रैंड फिनाले में द गर्ल्स हैव टू प्रूव देयर बेस्ट। यहां गर्ल्स विल गिव देयर डांस परफॉर्मेंस व्हिच इज कोरियोग्राफ्ड बाय सुमिशा शंकर। Sub contest titles were given to the 8 winners and finally in the end winners of Gold's Gym Fit and Fab will be announced. Now, who has won Kellogg Special K Presents Gold's Gym Fit and Fab 2013, co-sponsored by Splenda and Reebok and powered by WWE? For this, tune in on Sunday at 8 p.m. only on Zoom TV, India's number one Bollywood channel. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर Bollywood की और भी latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.